नमस्कार दोस्तों, मैं आंचल आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि रात को आप लेंगे तो आपको रात को बहुत हेल्प करेगी पतला होने में, आपका फैट मेल्ट करने में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा पाउडर बताऊँगी कि जो आप एक चम्मच रात को सोने से पहले लेंगे तो ये रात को सोते सोते बहुत वर्क करेगा और आपकी फैट को मेल्ट करने में बहुत ही हेल्प करेगा। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है, ये घर पर मौजूद चीज़ों से ही आप तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी है और बस आपको एक चम्मच लेना है रात को सोने से पहले और फिर आप इसका कमाल देखेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्दी चीज़ है अगर आपने ले ली, और एक नेचुरल रेमेडी है, ना तो कोई मेडिसिन है ना कुछ, ये एक नेचुरल होम रेमेडी है जिसे करने से आप बहुत जल्दी अपना वेट लॉस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप इसके लिए ले लीजिए सौंफ और जीरा, जो कि हर किसी के घर में मौजूद होता है। पहले ये दो चीज़ें आपको लेनी है। जीरा, आपको पता है कि आपकी गैस ट्रबल, आपके कोई एसिडिटी प्रॉब्लम हो, आपको पतला करने में कितनी मदद करता है। और जो सौंफ होती है, हमें भूख कम लगती है, वो खाने से हमारा पेट भरा रहता है, हमें कम भूख लगती है सौंफ खाने से। आपको करना क्या है, आपको 3 चम्मच सौंफ लेनी है, हरे मोटे सौंफ लेने हैं आपको 3 चम्मच। इस तरीके से आप 3 चम्मच ले लीजिए और फिर आप लेंगे जीरा, 2 चम्मच जीरा ले लीजिए। अब इन दोनों चीजों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 2 चम्मच जीरा और 3 चम्मच सौंफ को हम अच्छे से भून लेंगे। आप एक कढ़ाई में, एक पैन में अच्छे से इसको भून लीजिए, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, खुशबू ना आने लगे, इसको आप भून लेंगे। भूनने से इसके फायदे और बढ़ जाते हैं, ये हमारा खाना पचाने में बहुत मदद करती है। ये पहली दो चीज़ें हैं जो हम अपने पाउडर में डालेंगे, और जीरा का तो फ़ायदा आपको पता है, ये भी खाना पचाने में बहुत मदद करता है, और सौंफ खाने से बहुत देर तक हमारा पेट भरा रहता है। तो देखिए, हमारे सौंफ बड़े अच्छे भून गए हैं, जीरा भी भून गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दोस्तों, अब मैंने ले लिया है कड़ी पत्ता पाउडर और हरड़। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच, जो मैंने इसका पाउडर तैयार किया है, सौंफ और जीरे को मैंने पीस लिया है भूनकर, 2 चम्मच मैं उसका पाउडर डालूंगी, और मैं ये डालूंगी हरड़, 2 चम्मच हरड़ डालूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास हरड़ नहीं है, कड़ी पत्ता पाउडर नहीं है, तो मैंने नीचे लिंक दे दिया है, आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, आप उस पर क्लिक करें और ख़रीद लें। 1 चम्मच कड़ी पत्ता पाउडर डालेंगे हम। इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच जीरे और सौंफ का जो पाउडर बनाया था वो, और इसमें 2 चम्मच हरड़ डाली है मैंने, और 1 चम्मच मैंने कड़ी पत्ता डाला है। कड़ी पत्ता हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है फ्रेंड्स, और ये बहुत जल्दी हमारे फैट को बर्न करने में मदद करता है। आपने जितनी भी मोस्टली मेरी पतले होने की रेसिपीज़ देखी होंगी, उसमें मैं कड़ी पत्ता ज़रूर यूज़ करती हूँ। कड़ी पत्ते को नॉर्मली खाने में भी यूज़ करना चाहिए, जितना आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी हमारा वेट कम करने में बहुत हेल्प करता है हमें। ये चूरन फ्रेंड्स आपका तैयार हो गया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हरड़ के बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों, ना तो सिर्फ ये हमें पतला करता है, ये हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, हमें बहुत से फ़ायदे देता है। इस चूरन को हमने तैयार कर लिया है, ये आप किसी भी कंटेनर में स्टोर कर लें। अब इसको लेना कैसे है, जब खाना आपको, एक तो जल्दी खाना है, सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खाइए, और फिर उसके बाद आपको सोने से पहले 1 चम्मच ये चूरन लेना है और गुनगुना पानी। 1 चम्मच चूरन गुनगुने पानी के साथ आप लेंगे दोस्तों सोने से पहले, लेकिन खाना आपको, ये शर्त है कि खाना आपको सोने से 2 घंटे पहले खाना ही खाना है। आपको ये नहीं कि हमने खाना खाया और सीधा ही सोने चले गए, ये मोटापे की एक मेन वजह होती है, इसलिए आपको खाना जो खाना है वो आप खाएंगे 2 घंटे पहले, और ये चूरन लेंगे आप सोने से 15 से 20 मिनट पहले। आप ले लीजिए इस चूरन को गुनगुने पानी के साथ, डेली इसे कीजिए, दिनों में आप फ़र्क देखेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत कमाल का चूरन है, आपको इनमें से कोई भी चीज़, हरड़ या फिर कड़ी पत्ता, दोनों पाउडर आपको ख़रीदने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस पर जाकर क्लिक करके बाय कर सकते हैं और इस पाउडर को रेडी कर सकते हैं। दोस्तों, आप भी इसे खाइए और फिट रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए।
मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और दोस्तों, मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई हेल्दी टिप के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अलविदा दोस्तों।